क्रिप्टोकरेंसी। हालिया आय बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर होने वाली आय पर 23% टैक्स लगाया गया था। हालांकि अभी तक सरकार ने क्रिप्टोकरेंसीज मसलन बिटकॉइन, इथेरियम आदि को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सरकार के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल करेंसीज के जरिए होने वाली ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, इसलिए एक स्पेसिफिक टैक्स रिजीम पेश करनी पड़ी। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया है? जी नहीं, वर्चुअल एसेट पर टैक्सेशन का लीगल या विधिक मान्यता से कोई संबंध नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज के लीगलाइजेशन के संबंध में सरकार का निर्णय आना अभी बाकी है। एक लंबे समय से क्रिप्टो करेंसीज पर कानून लाने की बात चल रही है। साल 2019 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट ने सभी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने की बात की थी। टैक्सेशन और लीगलाइजेशन को अलग अलग रखने के संबंध में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात बनाम एससी कोठारी मामले में कोर्ट ने बयान दिया था कि यदि बिजनेस इलीगल है तो इससे होने वाला नफा नुकसान किसी कानून के तहत नहीं आएगा, लेकिन लाभ को टैक्सेशन से नहीं बचाया जा सकता। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। हाल ही में आई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में संशोधन करने की योजना बना रही है। AMASR एक्ट में साल 2010 में हुए संशोधन के मुताबिक किसी संरक्षित स्मारक से 100 मीटर की रेडियस को प्रोहिबिट घोषित किया गया था, वहीं 300 मीटर के दायरे को रेगुलेटेड घोषित किया गया था। इसका मतलब हुआ कि संरक्षित स्मारक मसलन ताजमहल के 100 मीटर की रेडियस में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सीमा के लिए कोई तार्किक आधार नहीं है। साथ ही ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस पर कोई इनपुट नहीं लिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीमा में बदलाव करके इसे साइट टू साइट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जैसे ताजमहल जैसे प्रसिद्ध स्मारक के लिए 500 मीटर की सीमा भी तय की जा सकती है। साथ ही नए संशोधन में ASI की शक्तियां और बढ़ाई जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4। स्वास्थ्य मंत्रालय ने IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4 लॉन्च किया है। इस मिशन को 33 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के 416 जिले में लागू किया जाएगा। इसका मकसद कोविड के दौरान टीकाकरण में हुए गैप्स को कम करना है। ऐसे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं उन पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। साल 2014 में लॉन्च हुए इस मिशन का अब चौथा वर्जन लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मसलन डायफ्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस एंड न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और मीजल्स रूबेला के लिए वैक्सीन दी जाती है। आइए जानते हैं आज की अगली खबर। जुडिशियल रिव्यू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को जुडिशियल स्क्रूटनी को सीमित करने की स्थिति बनी थी। ऐसी स्थिति मीडिया वन टीवी चैनल और पेगासस के मामले में देखने को मिली। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा है कि क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक जब भी सरकार नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर प्रबंध लगाती है उसे इसके पीछे के तार्किक कारण पेश करने होंगे। आपको बता दें कि न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान से मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों और आदेशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। ये शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद मसलन 13, 32, 136 आदि से सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति हासिल होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला आदि में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है।
केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत की अवधारणा की थी? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चौरी चौरा इंसिडेंट। 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह पूरा हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों को याद किया। गौरतलब है कि चौरी चौरा की घटना वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की एक समूह और पुलिस के बीच विवाद हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए विवाद से उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना में 23 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियन की मौत हो गई। महात्मा गांधी, जो कि हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि चौरी चौरा दो अलग अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक अधिकारी ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। आइए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। नेशनल पॉलिसी फॉर नेचुरल एंड मैनमेड वाटर बॉडीज। राज्यसभा में प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों के लिए नीति के संबंध में जानकारी साझा की गई थी। कुओं, बावड़ियों, तालाबों, झीलों के संरक्षण के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय नीति पर सरकार विचार कर रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय जल नीति 2012 प्रभावी है। इसमें नदियों, झीलों, तालाबों आदि जल निकायों के संरक्षण के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सभी स्मारकों के नवीनीकरण और बहाली के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के अनुसार काम करता है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित कुएं, तालाब, टैंक या झील शामिल हैं। गौरतलब है कि जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय। नमस्कार।